भजन 22, कुल पद 31। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु हे तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पियाऊ बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा। हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम उसकी महिमा करो, और हे इसराइल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वाले के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देश के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए।